दोस्तों आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, तो आपको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आपको फिर से एक नया सीख लेके आया हूं। हर वीडियो में एक मेरा नया सीख मिलता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो आज वैसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि हर जगह यूज कर सकते हैं, कंपटीशन लाइन में नहीं बल्कि कोई भी क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सरलीकरण का इस प्रकार का गुणा करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता होगा, तो चलिए उस टाइम को कैसे मैनेज करना है वो सिखाता हूं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आज हम बताने जा रहे हैं जो कि पहला विधि बताएंगे, एक से दो मिनट का टाइम लग जाएगा। दूसरा विधि बताएंगे जो कि 30 से 40 सेकंड लग जाएगा, और तीसरा विधि बताएंगे जो कि मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ए वाली विधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, ये विधि जैसे कि 5942 में गुणा करना है 9999 में, तो शुरू से हम बताना चाहते हैं फर्स्ट विधि ही। जैसे 999 मल्टीप्लाई करना है 52 और 42 से, इस प्रकार आप गुना बचपन से ही जान चुके हैं। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई करने में कम से कम 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, 1.5 से 2 मिनट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार का आप जानते होंगे, तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरा नियम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग स्टैंडर्ड लेवल में आए होंगे तो ये नियम भी आप लोग जानते होंगे। जैसे कि 52 42 में 99 99 में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 52 42, ठीक है। और जितना 9 रहता है उतना 0 डालते हैं, ठीक है। तो कितना 9 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 को है। उसके बाद जो है 52 42 को घटा लेंगे, 52 और 42 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और ए जो है 9 में से 5 गया 5 और 9, आई है 1 4 2 5, इस प्रकार। तो ये हो गया सेकेंड रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल तो आप लोग जान चुके हैं, ये हुआ सेकेंड रूल। आज जो हम बताने जा रहे हैं जो कि सबसे इजी रूल, सबसे इजी रूल आपको बताएंगे, और ये जो है रूल मात्र 5 से 10 सेकेंड में उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वो रूल क्या है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो देखिए वो क्या है, मात्र एक लाइन में जो है इसका गुणनफल आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि इतना में गुना करना इतना से, ठीक है। तो 5 2 4 1, ये जो लिखना है ये घटाकर लिखना है, उसके सामने जितना 9 रहेगा और जितना डिजिट ए साइड दिया हुआ रहेगा उतना से ये घटा के लिखना है, ठीक है। ए देखिए वहां 2 था तो यहां 1 लिखे, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इसको जैसे जितना 9 है और उतना जैसे 5242 है तो हम 5241 लिखेंगे, ठीक। और इधर से घटाते इसको आना है, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में 7 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा। हो गया आपका यही आंसर, सिंपल सा, ठीक है। तो आपको बताए थे कि हम आपको और रूल सिखाएंगे जो कि सबसे हटकर हो और टाइम की बिल्कुल बचत हो, ठीक है। तो मात्र एक लाइन में इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 999 है, ठीक है, और यहाँ 782 है, तो क्या लिखना है, एक घटा कर लिखना है, 781 लिखना है, जो भी रहेगा एक घटा कर लिखना है। जैसे 999 है और उसको में इधर क्या है 782 है, तो 781 लिखेंगे, और इधर से बारी बारी से सबको घटा कर लिख देना है, बस एक
में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए फिर उसी प्रकार हम जो है कर लेते हैं, आप लोग इसको अपने वीडियो को फ्यूज करके बनाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों इसको भी हम बना देते हैं, जैसे 9999 है तो 42 84 है, तो हम क्या लिखेंगे, 42 83। ठीक है, एक घटा कर लिखेंगे, उसके बाद बारी बारी सबको घटाएंगे। 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 जाएगा 7 बचेगा, और 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा 6 बचेगा। बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना है। 2 मिनट का रूल, 50 सेकंड का रूल, सारे रूल से हटकर ये रूल को अप्लाई करिए और एकदम इजी रूप से जो है आपका आंसर आपके सामने आएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो इसको से एक डिजिट कम है, तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक जीरो लगा देते हैं क्योंकि 4 डिजिट है, इधर भी 4 बनाना है तो इधर 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 02 04 27। ठीक है, 428 है तो 427, एक घटा कर लिखना है। अब देखते हैं 9 में 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, और 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक लास्ट है, एक लास्ट का भी देख लेते हैं उसी प्रकार, जैसे कितना है 1 2 3 4 5 है, इधर कितना है 4 है, तो क्या करेंगे 0 दे देंगे, और 0 देने के बाद जो है सब डिजिट जो है बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है, सब डिजिट क्या करेंगे लिखेंगे, जैसे 2 8 4 2 8 4 और 2 है ना तो 1 देंगे। ठीक, अब उसको घटाएंगे क्या होगा, 9 होगा, इसको घटाएंगे 7 होगा, इसको घटाएंगे 1 होगा, इसको घटाएंगे 5 होगा, इसको घटाएंगे क्या होगा, ये जो होगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है ना एकदम चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टाइप 2। तो चलिए दोस्तों टाइप 2 में हम चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे जिससे आपको तो कुछ लगा होगा मन में, तो सोचना नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, मुझे आप लोग जानते होंगे शायरी करने का बहुत शौक है, तो चलिए एक शायरी सुना देता हूं कि तारों में अकेले चांद जगमगाते हैं, तारों में अकेले चांद जगमगाते हैं, मुश्किलों में अकेले इंसान जगमगाते हैं, इसलिए कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेले गुलाब मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको घबराना नहीं है, उसके लिए हम लेके आए हैं, बस आपको चुटकियों में हल होगा। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन, कैसे आप अपना टाइम को व्यतीत करते हुए हल कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम देखना सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। देखिए एग्जामिनर जो भी होता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन देता है कि बनेगा आसानी रूप से बनेगा, भले ही और रूल आप न जाने अलग बात है, ये नहीं दे देगा कि आपको स्टूडेंट से बने ही है, ऐसा सोचता नहीं। ठीक है, कुछ टेक्निक उसका होता है, तो चलिए उस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर इस फॉर्म में रहेगा 9 9, ठीक है, ये फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ना ये सीखें कि कैसे हल होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को जो है परखना सीखिए, जब 9 9 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये दोनों कट जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन सीखिए कि ये दोनों जो है कट जाना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म में रहेगा तो उसके बाद जो है ये जो भी रहे यहाँ पे जो भी रहे, लेकिन ये दोनों को है कट जाना चाहिए, तो ये प्रोसेस काम करेगा। ठीक, तो चलते हैं, देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, 99 है। ठीक है, तो 99 देंगे, उसके बाद देखना है यहाँ पर कितना 9 है, तो 000 है, तो 000 देंगे।
उसके बाद देखना है दोनों में कितना का डिफरेंट है। तो कितना के डिफरेंट है आप लोग देख सकते हैं, तो 5 का डिफरेंट है, तो 5 लेस करेंगे और जो भी लेस करके आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले नंबर 9 जितना भी रहेगा 9 देना है, उसके बाद यहाँ पे जितना 9 रहेगा उतना 0 देना है, उसके बाद ये दोनों में जो भी डिफरेंट रहेगा उसको लेस कर देना। ठीक है, तो जब लेस करते हैं दोनों को तो हमारा रिजल्ट जो है इस प्रकार आता है, तो इसका जो है गुणनफल इस प्रकार होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए करना क्या है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जब 9 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन को आप जो है याद रखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के अक्सर क्वेश्चन मिलता है। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एसएससी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम वो क्वेश्चन बताते हैं जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है जितना 9 है, ठीक है, जितना 9 नीचे है हर में उतना देना है, और उसके बाद देखना है कि कितना 9 यहाँ है, तो कितना है 3 9 है, उसके बाद 3 0 देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में जो है सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले जो है देखना है कितना 9 है, तो 3 9 है दे देंगे, उसके बाद जो है कितना 9 यहाँ पे है उतना 0 डालेंगे, उतना 0 दिए, उसके बाद देखना है कितना डिफरेंट है दोनों में, अंश और हर में कितना डिफरेंट है, तो डिफरेंट कितना है 7 का है, और 7 उसको हम लेस कर देना है। लेस करने के बाद देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है क्या आता है, तो हमारा रिजल्ट जो है ये लेस करके आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे भी उसी प्रकार पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, इतना में 7 घटाएंगे तो इतना आएगा। तो चलिए अगला भी उसी प्रकार है, अगला देखते हैं कितना 9 है नीचे, तो 9 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर कितना 9 है उतना 0 डालेंगे, 1 2 3 4, और कितना दोनों में डिफरेंट है, तो डिफरेंट कितना का है 4 का, और देखते हैं उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या आता है दोनों को घटाकर। तो दोनों को घटाकर जब देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को घटाने के बाद जो है ये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बता चुके हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए, तो आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर है जो जल्दी से इस प्रकार सोच करें और अपना अपना आंसर का रिप्लाई दें, और देखते हैं कौन कितना फास्ट देते हैं, और जल्दी से अपना जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब दें। तो ये होमवर्क रहा आपके लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे फिर इसी प्रकार का टॉपिक, ये लाजवाब टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।